हेलो टू ऑल क्लास 12th, क्लास 12th, लास्ट क्लास में हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ये काम हमने किया था लास्ट क्लास में। अब इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने तीन प्रॉपर्टी की थी जिसमें लास्ट प्रॉपर्टी थी, थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने क्या किया था कि किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एन ई। यहां पे एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो हमने कहा था, मान लीजिए यहां पर एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। अगर ए से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ए से कहां चला गया, बी बॉडी में चला गया, तो इस पर आ गया प्लस वन ई चार्ज और इस पर आ गया माइनस वन ई चार्ज। यानी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन गया, इसके पास एक आया, तो प्लस वन या माइनस वन। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसकी वैल्यू क्या थी आपके पास, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब थी आपके पास। तो हम ये कह सकते हैं कि एन है इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने ट्रांसफर हुए हैं, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉडी पर प्लस माइनस एन ई चार्ज हो सकता है, यानी यहां उस पर हो गया प्लस वन ई, यहां हो गया माइनस वन ई, यहां एन की वैल्यू कितनी है, वन। यानी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, वो एन है हमारे पास। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए एक बॉडी पर प्लस वन कूलाम चार्ज है, कितना है, प्लस वन कूलाम। तो जाहिर सी बात है, इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया, हाउ मच इलेक्ट्रॉन विल ए बॉडी लूज टू गेन प्लस वन कूलाम चार्ज। प्लस वन कूलाम चार्ज के लिए एक बॉडी कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगी, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, हमें चार्ज कितना चाहिए, Q इज इक्वल टू वन कूलाम। फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कितना चार्ज चाहिए, एक कूलाम। हमें यही तो निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े उसने, एन, एन की वैल्यू इन टू में ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1.6 × 10⁻¹⁹। तो यहां से इसको अगर हम सोल्व करने लगे तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन आ जाएगा हमारे पास 1/1.6 × 10⁻¹⁹। इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स के लगभग। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर एक बॉडी लूज करेगी तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस वन कूलाम चार्ज। और इतने गेन कर लेगी तो कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस वन कूलाम चार्ज आ जाएगा। तो ये है हमारे पास क्या, किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के बाद कितना चार्ज आता है, इस फॉर्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसी तरीके से हमारे पास ये है चार्ज की प्रॉपर्टीज। अब चार्ज की हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करी थी, लाइक चार्ज रिपेल, क्या करी थी, लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, करी थी अट्रैक्ट ईच अदर। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या करी थी, चार्ज इज एडिटिव। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या करी है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। अब इसको देखते हैं, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर,
यानी कोई भी दो चार्ज सेम है तो क्या करेंगे, रिपेल। ऑपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अब वो रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे तो किसी ना किसी फोर्स से करेंगे। किस फोर्स से कोई भी चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं वो हमारे पास कहलाता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट ने उस फोर्स के बारे में बताया था और उसे हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। उसने क्या बताया था, मान लीजिए दो चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर एयर में रखे हैं। कहां रखे हैं, एयर में, ठीक है। तो उसने कहा लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को, विद ए फोर्स, एक फोर्स के साथ, विच इज, वो फोर्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, यानी आपको प्लस माइनस नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखूं तो फोर्स विल बी इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वेयर K इज ए कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। के को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये कब आएगा, जब इन दोनों के बीच में एयर है। क्या है, एयर है, एफ फोर्स इन एयर। के की एक और वैल्यू हमारे पास, के इज इक्वल टू 1/4πε0। इसको क्या बोलते हैं, एब साइलन, अभी बताएंगे इसको क्या काम करेगा ये नॉट। तो K की वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q1 Q2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास क्या है, K इज 1/4πε0 Q1 Q2 पाई आर स्क्वायर, K की वैल्यू है 1/4πε0, न्यूमेरिकल वैल्यू है 9×10^9, इन सब की वैल्यू रखेंगे आगे करेंगे। किस सिस्टम में, SI सिस्टम, और K की वैल्यू 1 हो जाएगी किसमें, CGS सिस्टम। कौन से सिस्टम में, CGS सिस्टम में K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यही फॉर्मूला फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी इक्वल टू K की वैल्यू क्या हो गई, 1 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इन CGS सिस्टम। लेकिन चूंकि हम पढ़ते कौन सा सिस्टम है, हमेशा SI सिस्टम ही पढ़ते हैं, तो फोर्स इन एयर will be equal to, ये भी air में, 1/4πε0 Q1 Q2 by R square, ये किस में है, SI system, ठीक है। numerical value of K (10^9) यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब माइनस टू। यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब माइनस टू, क्लियर है। तो आपको अगर कूलम्ब्स लॉ पढ़ना हो तो यहां तक पढ़ना है, दिस इज कूलम्ब्स लॉ।
इसके बाद एसआई सिस्टम में इस के की वैल्यू 1/4πε0 सीजीएस में 1 है, चूंकि सीजीएस में 1 है तो ये सारी क्वांटिटी 1 हो जाएगी, तो 4c^q1q2/r² सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा। चूंकि हम एसआई सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें यही पढ़ना है, के की वैल्यू 1/4πε0 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2। अब पढ़ेंगे हम व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। ठीक है, चलिए एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट, इसको बोलते क्या है पहले, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम। मतलब ये एप्सिलॉन नॉट क्या मापता है, Q1 Q2 के बीच में एयर है या वैक्यूम है, तो हमारा एप्सिलॉन नॉट क्या मेजर करेगा, हमारा एप्सिलॉन नॉट मेजर करेगा कि ये एयर या वैक्यूम इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना उस पर क्या इफेक्ट डाल रहा है। अगर मान लीजिए इन दोनों चार्जेस को हम पानी में डुबो दें, किसमें डुबो दें, पानी में, तो इफेक्ट आ जाएगा ना कुछ ना कुछ। अभी सिर्फ हम एयर पढ़ रहे हैं या वैक्यूम, क्या इफेक्ट आ रहा है वो एप्सिलॉन नॉट पड़ता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85×10⁻¹² न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम्ब +2। जो k की डायमेंशन है, सॉरी यूनिट है ना, उसकी ऑपोजिट। क्लियर, तो ये है हमारे पास व्हाट इज एप्सिलॉन, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम। क्लियर है, तो डायमेंशन ऑफ k अब आपको पता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2/r², यहां से K आ गया Fr² Q1 Q2, फोर्स आ गया mLT-2, R है दोनों के बीच का डिस्टेंस L2, चार्ज की एम्पियर इंटू टाइम। सारे को अगर आप सोल्व करोगे तो ये आएगा mL³T-4a-2, डायमेंशन ऑफ k। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट k की ऑपोजिट m-1 L3T4a2। क्लियर, तो ये है आपके पास क्या एप्सिलॉन नॉट के बारे में जानकारी। तो अब हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी दो चार्ज Q1 और Q2 बीच में एयर या वैक्यूम है तो फोर्स लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2/r². अब हम Q1 और Q2 के बीच में कोई मीडियम ला देते हैं, मीडियम का मतलब एयर और वैक्यूम के अलावा कुछ भी भर दिया। ठीक है, कोई भी मीडियम भर दिया, चाहे पानी डाल दिया, चाहे ग्लास डाल दिया, चाहे आयरन डाल दिया, चाहे हमने मीका शीट डाल दी, कुछ भी डाल दिया, इसके बीच में हमने कोई मीडियम डाल दिया, तब हमारे पास फोर्स बन जाएगा फोर्स मीडियम इज इक्वल टू 1/4πε0 की बजाय आएगा एप्सिलॉन। क्या आएगा, एप्सिलॉन। आर फॉर्मूला बन जाएगा Q1 Q2/r². ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q2/r² हमारा क्या बन जाएगा, नया फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स इन मीडियम। एप्सिलॉन नोड क्या था हमारे पास, एप्सिलॉन नोड था हमारे पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम। हमारे पास एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू
एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या हो जाएगी हमारे पास? एप्सिलॉन हो जाएगी। क्लियर? तो अब क्वेश्चन ये आ गया, हमने एयर से हटा के मीडियम लगा दिया। मान लीजिए हमने मीडियम लगा दिया वाटर। क्या लगा दिया? वाटर। तो दोनों के बीच में फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा? उसको हमारे पास एक क्वांटिटी, एक नई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करेगी, जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कांस्टेंट या इसका दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको डिनोट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करोगे एप्सिलॉन आर से, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं। लेकिन ये के और ये वाला के, ये डिफरेंट चीज है, याद रखना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है या हम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट लेंगे इसको। क्या है ये? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन placed in air to when placed in medium। मतलब क्या है कि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K या एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। एक बार एयर में रखो और दूसरी बार कहां रख दो? मीडियम में रखो। तो वो रेशियो आपके पास क्या बनेगी? एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम फोर्स इन एयर। एयर में अभी हमने कहा था फॉर्मूला है 1/4πε0Q1Q2 आर स्क्वायर। मीडियम में अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला है 1/4πε0Q1Q2 r2। इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये आ गया भाई Q1Q2/4πε0r2। ये वाला यू कहीं, ये ऊपर नीचे जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा 4πε0r2 अपॉन में Q1 Q2 गया 4πr2 गया। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एयर। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरी हमने अभी की है एफ इन एयर अपॉन एफ इन मीडियम। हर एक मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है, हर एक मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज इक्वल टू, हर एक मीडियम का अलग अलग है आपके पास। आपको बस मीडियम की जानकारी होनी चाहिए, कौन सा मीडियम है उसकी वैल्यू रखते जाओ 80। ठीक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर 80, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर 1, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मीका शीट इज इक्वल टू 3 to 4, 3 से 4 के बीच होता है, आपको दिया मिलेगा। ये काम क्या आएगा सुनिए, आप मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए,
a force between two charge in air is 240 न्यूटन. एयर में कोई भी दो चार्ज रखे हैं उनके बीच का फोर्स कितना है 240 न्यूटन. व्हाट विल बी फोर्स व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर. फोर्स कितना होगा अगर हमने एयर को रिप्लेस कर दिया. क्या कर दिया एयर को रिप्लेस किससे वाटर से तो हमारे पास व्हाट विल बी द न्यू फोर्स. ये है हमारा क्वेश्चन. ठीक है तो देखिए फोर्स इन एयर 240 न्यूटन. अब क्वेश्चन क्या है रिप्लेस कर दिया किससे वाटर से तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम. अब मीडियम हमने कौन सा ले लिया वाटर. फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन वाटर. मीडियम वाटर हो गया तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी किसका आएगा वाटर का. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का कितना 80 लिख दो. 80 इज इक्वल टू फोर्स इन एयर 240 अपॉन फोर्स इन वाटर तो हमें निकालना है. फोर्स इन वाटर ऊपर चला जाएगा 240 अपॉन 83. तो फोर्स इन वाटर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा. बोलिए क्लियर. तो ये है हमारे पास क्या इफेक्ट ऑफ मीडियम. अब मान लीजिए आपके पास क्या हो जाए ऐसे हो जाए कोई क्वेश्चन. ये तो हमने पूरे में मीडियम भर दिया कंप्लीट दोनों के बीच में पूरा. अगर मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 बीच का डिस्टेंस कितना है R और आपने सिर्फ इतने में मीडियम भरा इतने में. कितने डिस्टेंस में T डिस्टेंस में मीडियम भर दिया सिर्फ इतना. ठीक है क्लियर. यानी इफ मीडियम इज पार्शली फिल्ड किया पूरा भर नहीं बजाय तो आपके पास फोर्स आ जाएगा 1/4πε0Q1Q2/R-T+T√K² ठीक है क्लियर. तो इस क्लास में इतना कीजिए. अगली क्लास में छोटे छोटे न्यूमेरिकल लेंगे फिर आगे चलेंगे.